नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीआईईटी एनसीईआरटी के इस लाइव इंटरैक्टिव सेशन में। मैं सृजन राजपूत हूं और आप हमें देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 10 पर। क्योंकि ये एक लाइव इंटरैक्टिव सेशन है मैथमेटिक्स का, तो पहले आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमारा विषय क्या है। हमारा टॉपिक है आज प्रोबेबिलिटी पार्ट टू। प्रोबेबिलिटी पार्ट वन में आपने क्या सीखा ये तो हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे ही, लेकिन अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी जिज्ञासा हो इस विषय से संबंधित, तो आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ये है 8800440559। या फिर आप हमें मेल लिख सकते हैं, हमारा मेल एड्रेस है dth.class10@cieet.nic.in। तो मैथमेटिक्स के इस सत्र में कक्षा 10 के बच्चों के लिए हम प्रोबेबिलिटी को सीखेंगे, जो कि पहले भी हम इसका एक कुछ जान चुके हैं, कुछ प्रश्नों पर भी हमने बात की और मैम ने प्रोबेबिलिटी का परिचय भी दिया। बताना चाहूंगी हमारे साथ सविता ग्राहक मैम है, मैम अकेडमिक कोऑर्डिनेटर है गीता निकेतन आवासीय विद्यालय सलारपुर रोड कुरुक्षेत्र से। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सृजन, और हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। मैम, क्योंकि हमने इसका पार्ट वन पढ़ा, तो आपसे एक क्विक रिव्यू लेना चाहेंगे कि बच्चों ने पार्ट वन में क्या सीखा और आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। जी सृजन बिल्कुल। तो प्रोबेबिलिटी पार्ट वन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रोबेबिलिटी पार्ट वन में ये तो जान ही लिया था कि दिस इज रियली एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड प्रोबेबिलिटी में हम गेस कर पाते हैं कि कोई भी चीज के होने के चांसेस कितने हैं। अगर हमें पता है कि एग्जॉस्टेड केसेस कितने हैं, अगर हमें पता है कि किसी भी इवेंट के होने के फेवरेबल केसेस कितने हैं, तो हम डेफिनेटली कैलकुलेट कर पाएंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर इवेंट। तो हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को भी डिफाइन किया है दैट इफ एग्जॉस्टिव केसेस फॉर एनी इवेंट टू बी हैपनिंग बी एन, जैसे आपने एक डाई को टॉस किया, तो डाई टॉस करने पर टोटल पॉसिबल केसेस या एग्जॉस्टिव केसेस कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। इन 6 में से कोई भी एक नंबर डाई के किसी भी जो भी अपर फेस है उस पर आ सकता है, दैट इज वाई एग्जॉस्टिव केसेस विल बी नॉन एज 6। फेवरेबल केसेस यानी कि हमारे पास जिस भी इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, हम मान लेते हैं कि इवेंट ई है गेटिंग एन ओड नंबर। सो इवेंट ई के लिए जो जो फेवरेबल केसेस हैं वो कौन कौन से हैं, 2, 4 and 6। सो फेवरेबल केसेस विल बी 3 इन दिस केस, एंड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट ई इज बेसिकली एम डिवाइडेड बाय एन, और आप बोल सकते हैं दैट इट विल बी टोटल फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय एग्जॉस्टिव केसेस। ओके, यानी डिवाइड में हमेशा टोटल केसेस ही आते हैं। ऑलराइट, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी और हम अभी एक बार फिर से डिस्कस करते हैं दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट टू बी हैपन विल बी इक्वल टू 0 और मोर देन 0 बट लेस देन 1 और इक्वल टू 1। यानी प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं होती, 1 से ज्यादा नहीं होती। इट विल बी एग्जिस्टिंग बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग बोथ ऑफ दीज नंबर्स इंक्लूडिंग 0 एंड 1। तो इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हम एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहले, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। जिसे हम बात करें कि एक डाई हमने टॉस की और उसके टॉस करने पर ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, एफ इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। सो इन दोनों ही एलिमेंट्री इवेंट्स का जो सम है इनकी प्रोबेबिलिटीज का, दैट विल बी डेफिनेटली 1। आप देख सकते हैं for the event E the probability will be 3/6, for the event F again 3 even numbers होते हैं, so the probability is again 3/6, and finally their sum will be 3/6 + 3/6, or you can also say 1/2 + 1/2, which is equals to 1. Then let us discuss that the probability of a null event is always 0. नल इवेंट मीन्स एक ऐसा इवेंट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम बोलते हैं कि आई एम टॉसिंग अ कॉइन, एंड कॉइन टॉस करने पर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4, तो ये एक इनरेलीवेंट बात है। जब हम कॉइन टॉस कर रहे हैं या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, नंबर 4 जो है दैट विल बी नॉन एज अ नल इवेंट, दैट इज वाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम विल बी 0। The probability of a sure event is always 1. Sure event means the event
जो पूरे सैंपल स्पेस के सारे जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उन्हें कंटेन करता है। दैट्स व्हाई इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी वन। जैसा कि अभी हमने बात की कि प्रोबेबिलिटी का आंसर जीरो से कम नहीं होता और वन से ज्यादा नहीं होता। एंड द फिफ्थ स्टेटमेंट हियर इज द सम ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ई एंड ऑफ नॉट हैपनिंग द सेम इवेंट। अभी बारिश हो सकती है या अभी बारिश नहीं हो सकती, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का जो सम है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू वन। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कॉइंस, लेट अस डिस्कस डीपली अबाउट दिस। अगर हम एक ही कॉइन टॉस करते हैं, सो ऑन टॉसिंग अ सिंगल कॉइन डेफिनेटली द सैंपल स्पेस विल बी एच और टी एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स फ्रॉम हियर विल बी 2^1 और हम कह सकते हैं टोटल केसेस विल बी 2। इफ यू आर टॉसिंग टू डिफरेंट कॉइन्स, लेट इट बी वन कॉइन ऑफ रुपी वन एंड अदर कॉइन ऑफ रुपी टू, तो हमारे पास जो केसेस बनेंगे हो सकता है दोनों ही कॉइन्स पर हेड आ जाए, हो सकता है फर्स्ट कॉइन पर हेड सेकेंड कॉइन पर टेल, फर्स्ट पर टेल सेकेंड पर हेड और दोनों टाइम्स टेल। Sometimes the examiner also give the question like that two coins are tossed together, or he can also say that one coin is tossed twice. तो दोनों ही केसेस में टोटल जो सैंपल स्पेस है ये फोर केसेस को कंटेन करेगा, दैट मीन्स टू स्क्वायर विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज फोर। इसी तरह से अगर आप थ्री कॉइन्स टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबल केसेस होंगे 2^3, एंड इफ वी आर टॉसिंग एन कॉइन्स देन द टोटल पॉसिबल केसेस विल बी 2^n। So if the examiner asks you a question that a coin is tossed 5 times, how many total possible cases will be there? So that is clear that the answer will be 2^5. That means one coin के toss के time जितने possible cases हैं और उसकी power रहेगी जितने भी times coin को toss किया गया है। So the answer in this case will be 32 total possible cases. ठीक है। इसी तरह से अगर हम डाई की बात करते हैं तो डाई और डाइस बोथ आर सेम। डाई मीन्स अ सिंगल डाई। अगर एक ही डाई आपने टॉस की है तो डेफिनेटली हमारे पास टोटल जो सैंपल स्पेस है वो बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि जनरली एक डाई के ऑल सिक्स स्पेसेस पर हमारे यही सिक्स नंबर्स होते हैं। तो इन दैट केस टोटल पॉसिबल आउटकम्स विल बी 6, or you can say 6^1. If you are tossing more than one die, if you are throwing more than one die, two dies agar aap throw kar rahe hain, then the sample space will be carrying like first die par us case mein kya kya possible hai, 1, 2, 3, 4, 5, 6 koi bhi number aa sakta hai, isi tarah se second die par bhi. To kya possible cases ban rahe hain, 1, 1, 1, 2, 1, 3, isi tarah se 1, 6 tak. Similarly 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. So, समझने पर ये क्लियर हो जाता है कि 1, 1 से 1, 6 तक, वेट, देन 2, 1 से 2, 6 तक, 3, 1 से 3, 6, इसी तरह से टोटल जो हमारे पास पॉसिबल केसेस होंगे वो फाइनली द लास्ट एलिमेंट विल बी 6, 6 एंड द टोटल पॉसिबल केसेस इन दिस केस विल बी 36 और 6 स्क्वायर। तो जैसा कि अभी हमने कॉइन के बारे में डिस्कस किया, इसी तरह से अगर आप एन डाइस टॉस करते हैं, इन दैट केस टोटल पॉसिबल आउटकम्स विल बी 6^n। ऑलराइट, तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि एक डाई को 4 टाइम्स टॉस किया गया है, सो व्हाट विल बी द टोटल पॉसिबल आउटकम्स, डेफिनेटली 6^4, और आप बोल सकते हैं 36 × 36 एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। Now this is the question which I would like our viewers to solve on their own. But the question is, एक बार हल्का सा हम डिस्कस करते हैं, in a single throw of a die, find the probability of getting a number 4. Find the probability of getting, let me discuss the fifth part of this question, of getting an even number or a multiple of 3. तो or a multiple of 3, यानी या तो even number होना चाहिए, 2, 4, 6 हो सकता है एक डाई को टॉस करने पर, या फिर 3 का मल्टीपल हो। तो 3 के मल्टीपल 1, 2, 6 के लिए 3 और 6 होते हैं, लेकिन अब अगर हम व्यू करते हैं तो 6 इज रिपीटेड, सो नो एलिमेंट विल बी रिपीटेड, 6 विल बी रिटन अ सिंगल टाइम, सो द फाइनल आंसर विल बी 4/6, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय एग्जॉस्टिव केसेस। नाउ लेट अस डिस्कस, अगर और के प्लेस पर एंड गिवन है
तो उसका मतलब होता है कि यू विल हैव टू चूज द कॉमन केसेस ओनली, जो भी चीजें कॉमन है, जैसे इवन नंबर भी होना चाहिए एंड 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो डेफिनेटली देयर इज अ सिंगल नंबर 6 व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज अ मल्टीपल ऑफ 3. सो इन दिस केस द आंसर द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/6 एंड हियर इट वाज 2/3. ऑन कैंसिलेशन ऑफ 4 एंड 6 यू आर गेटिंग 2/3. Now let us proceed ahead. The question is, two unbiased coins are tossed simultaneously. I would also like our viewers to solve the first and second part of this question on their own. Let us discuss the third part. Here we have written that at most one head should be there. So if at most one head should be there, and supposing that event E is representing the number which is at most one head. Okay, so there can be no head or there can be one head. So we'll have to remember कि अगर at most mention है, यानी कि उतने heads के equal या फिर उससे कम जो भी counting possible होगी वो आप लेंगे. In this case, definitely probability of E will be 3/4. And if it is at least one head, कम से कम एक हेड होना चाहिए. सो लेट अस सपोज एफ टू बी द इवेंट, तो कम से कम एक हेड यानी एक हेड के लिए दो कॉइंस को टॉस करने पर दो केसेस पॉसिबल हैं, एच टी एंड टी एच, एंड द अदर केस विल बी एट लीस्ट वन हेड का मतलब टू हेड्स भी हो सकते हैं. सो इन दैट केस ऑल्सो प्रोबेबिलिटी विल बी 3/4. बट इफ वी ऑब्जर्व केयरफुली दैट इवेंट ई एंड इवेंट एफ देर इज एन एलिमेंट T, T and HH, which are different in both of the cases due to at most and at least. Now let us discuss a question. It is, Mohit buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from the tank, and जो आपके पास tank है, उस tank के अंदर male fish है 5 and female fish है 8. What is the probability that the fish taken out randomly, कोई भी fish ऐसा निकाली है, so that is a male fish. What is the probability? So definitely हमें clear है कि total fish कितनी है यहाँ पर. Total fish है 13 और male fish है 5. So the probability for happening of this event will be 5/13. डेफिनेटली किसी भी चीज की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, सो दैट इज एन इवेंट, तो आप उस इवेंट को सपोज करते हुए अपने क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे. देयर इज वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इट इज, अ बॉक्स कंटेन्स 17 कार्ड्स, ऑल ऑफ दीज कार्ड्स आर नंबर्ड विद 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू 17. हर कार्ड पर एक ही नंबर मेंशन है, एक कार्ड पर 1 है, एक कार्ड पर 2 है, लाइक दिस. विच आर मिस थोरोली, यानी हमें पहले से कोई भी निशानी नहीं है. रेंडमली का मतलब यही होता है कि आपको पहले से नहीं पता, जस्ट एंड कोई भी नंबर हमारे सामने आ जाएगा जब हम उसमें से कोई भी कार्ड चूज कर रहे हैं. सो द सेम इज हियर, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रेंडम, इट इज अ रेंडम सेलेक्शन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज हैविंग अ नंबर विच इज प्राइम. हमने जब अपने कार्ड को थ्रो किया या टेकर निकाला बाहर, तो उस कार्ड पर जो नंबर है दैट शुड बी अ प्राइम नंबर. तो अगर हमें प्राइम नंबर्स की नॉलेज है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम सभी को आता है, लेकिन प्राइम नंबर्स की नॉलेज होना भी मस्ट है, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे. कैन आई राइट वन इन दिस? डेफिनेटली नो, बिकॉज वन इज अ नंबर विच इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट. प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके पास दो ही फैक्टर्स होते हैं, द नंबर इटसेल्फ एंड द नंबर 1. सो लेट अस राइट ऑल द नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, देन 13, देन 17. बिकॉज वी डू हैव द नंबर्स अप टू 17, तो ये सभी प्राइम नंबर्स हैं अप टू 17. सो द प्रोबेबिलिटी फॉर द सेम विल बी 7/17. आपका लिखने का तरीका रहेगा, लेट ई इज द इवेंट that the chosen number on the card is prime. All right? Yes, ma'am. And the second part of the same question is, it is that the number is divisible by 3 and by 2 both. दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए. अभी हमने एंड और ओर का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था. तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो 3 के भी टेबल पर आ रहे हैं और 2 के भी टेबल पर? आप चाहे तो इसको 3 और 2 का टेबल लिख कर देख सकते हैं, और आप जनरली भी डिस्कस कर सकते हैं कि वो सभी नंबर्स
जो 6 के टेबल से डिवाइड होते हैं डेफिनेटली वो 3 और 2 दोनों के ही मल्टीपल्स होंगे, बिकॉज 6 इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ ऑफ दिस. सो व्हाट वी आर गेटिंग, 6, 12, कैन आई राइट 18 हियर? डेफिनेटली नो, क्योंकि हमारा लास्ट कार्ड जो है उस पर नंबर 17 मेंशन है, सो इट विल बी प्रोबेबिलिटी विल बी 2 डिवाइडेड बाय 17 एंड देन इट इज डिविजिबल बाय 3 और 2. बाय 3 और 2 मीन्स आइदर द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, सो अप टू 17 वो सभी नंबर्स हम यहां मेंशन कर लेते हैं which are divisible by 3. Now let us mention all the numbers which are divisible by 2. These are 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16. But if we observe carefully, there are a few numbers which are repeated like 6, like 12. Okay, अभी एक भी नंबर का रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है. रिपीटेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने उस नंबर को दो बार काउंट कर लिया, जबकि वो कार्ड एक ही है जिस पर वो पर्टिकुलर नंबर लिखा हुआ है. सो फ्रॉम हियर यू विल बी एबल टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑन काउंटिंग दीज नंबर. दीज आर 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11. सो द फाइनल आंसर विल बी 11 बाय 17. डियर व्यूअर्स, इसके साथ ही एक और कॉन्सेप्ट है जो बहुत ध्यान से समझने का है. मान लीजिए मैं आपको कोई क्वेश्चन देती हूँ, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सो आई एम मेंशनिंग इट अंडर द स्टार दैट अ नंबर इज चोजन फ्रॉम 1 to 17. सो इफ दिस इज रिटन देन यूर एग्जॉस्टिव केसेज विल बी 17. बट समटाइम्स द एग्जामिनर गिव्स यू अ क्वेश्चन, a number is chosen which is between 1 and 17. So we do careless mistake, we do not follow कि language हमें क्या कह रही है. आपको इस तरह की mistake नहीं करनी. Between 1 and 17 means 1 and 17 will not be counted in this arrangement. So you will take 15 numbers which are existing between 1 and 17, that means from the number 2 to 16. So always be careful while studying the statement. Card theory की अगर हम बात करते हैं, we have discussed earlier also that there are total 52 cards out of which 26 cards are red and the rest of the cards which are again 26 in number, these are black. So out of these 26 cards which are red in color, out of these again further कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो हर्ड होते हैं, डायमंड होते हैं, और ब्लैक कार्ड्स से कुछ कार्ड्स हैं स्पेड और कुछ कार्ड्स होते हैं क्लब कार्ड्स. डेफिनेटली इक्वल इक्वल होते हैं नंबर्स में, सो दीज आर 13 एंड 13 अगेन. एंड देन लेट अस डिस्कस अबाउट डायमंड कार्ड्स जिनका इन नंबर. Out of these 13, 2 to 10, these are number cards. There is one card known as king card. There is one card जिस पर फेस बना होता है क्वीन का. There is one card जिस पर फेस बना होता है जैक का. And the one more card is an ace. ऑलराइट, यानी इन 13 कार्ड्स को हमने फर्दर डिवाइड किया है. इनमें से 9 कार्ड्स होते हैं नंबर कार्ड्स. So overall total 52 cards में से 36 cards are there which are known as number cards. Face cards की अगर आप बात करते हैं तो face cards are 12 in number. These are basically all the four kings, all the four queens and all the four jacks. And if we talk about the honor cards, तो इसमें इक्के भी शामिल हो जाते हैं, aces भी include होते हैं. So these are 16 in number. Now let us discuss a question related to the card theory. But the question is, a card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Alright. So well-shuffled should be mentioned here. That is telling us that there is no partiality. We do not know that which card is at which number. So कोई भी कार्ड कहीं पर भी रखा हुआ हो सकता है, और उसके लिए हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विच वी आर टेकिंग आउट दैट कार्ड शुड बी अ किंग ऑफ हार्ट्स. वेरी गुड क्वेश्चन. सम ऑफ द स्टूडेंट्स डज डू अ मिस्टेक हियर. उन्हें लगता है अ किंग ऑफ हार्ट्स किंग एक होता है, हार्ट कार्ड्स 13 होते हैं, सो द आंसर इज 1/13.
दिस विल बी अ रॉन्ग आंसर एक्चुअली, बिकॉज टोटल कार्ड्स आपके पास 52 ही हैं। उन 52 कार्ड्स में से फेवरेबल केस जो है वो फेवरेबल केस है अ किंग ऑफ हार्ट्स। सो आपके पास फेवरेबल केस विल बी वन, दैट इज ओनली एंड ओनली वन कार्ड जो कि हार्ट का है, हार्ट का किंग कार्ड है। सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी विल डेफिनेटली बी 1 डिवाइडेड बाय 52। ओके, अगर यहां पर दिया होता अ किंग ऑफ रेड कलर, सो रेड कलर हमें सिर्फ यही इंडिकेट कर रहा है कि रेड कलर के टोटल 2 किंग कार्ड होते हैं। सो इन दैट केस द आंसर विल बी 2 डिवाइडेड बाय 52। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हम चेंज नहीं करेंगे। आफ्टर दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वीन और अ जैक, मतलब जो कार्ड हमने चूज किया है वो या तो क्वीन होगा या तो जैक होगा। तो टोटल क्वींस होते हैं 4, टोटल जैक्स होते हैं 4, और जब भी ओवर मेंशन है तो वो सभी के सभी केसेस या तो ये काउंट होते हैं। सो इस क्वेश्चन के लिए टोटल फेवरेबल केसेस होंगे 8 एंड द प्रोबेबिलिटी विल बी 8 डिवाइडेड बाय 52। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फेस कार्ड्स। हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर? अभी हमने डिस्कस भी किया था, देयर आर टोटल 12 फेस कार्ड्स। सो द आंसर विल बी 12 डिवाइडेड बाय 52। हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है, समझना है। अगर यहीं पर क्वेश्चन लिखा होता अ फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, सो यू हैव टू थिंक कि ब्लैक कलर के कितने फेस कार्ड होते हैं। डेफिनेटली किंग, क्वीन एंड जैक फ्रॉम स्पेड्स एंड किंग, क्वीन एंड जैक फ्रॉम क्लब विल बी काउंटेड इन दैट केस, एंड टोटल केसेस विल बी 6। For total exhaustive cases will be 52. So in that case, the answer will be 6 divided by 52. Next is neither a king nor a queen. तो आप सोच लीजिए 52 cards में से ऐसे कितने cards होते हैं जो या तो king होते हैं या तो queen होते हैं। So these are 8 in number, 4 kings or 4 queens. Total 8 in number, इन्हें subtract करने पर आपके पास क्या आ रहा है? 52 minus 8, that is showing you 44. That means the probability for this will be 44 divided by 52, which can further be cancelled. And we are here with the answer that it is 11 divided by 13, क्योंकि 44 and 52 दोनों ही multiples हैं of the table 4. So 4 times 11 is 44 and 4 times 13 is 52, that's why your answer is 11 upon 13. Then the next question is a card of spade or an ace. अच्छा question है, या तो एक spade card होना चाहिए। तो total spade cards कितने होते हैं? These are 13 in number. Let us change the color. These are 13 in number. Total aces कितने होते हैं? Total aces आपके पास 4 होते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, अगर आप answer लिखते हैं 17 upon 52, definitely this is a wrong answer. क्योंकि हमसे क्या हो गया, जब हमने एस देखे 4, तो ऑलरेडी एक एस जो है 13 स्पेड कार्ड्स में ऐड हो चुका है, तो हम उसे दो बार काउंट कर चुके हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो दीस केसेस विल बी 16 एंड द आंसर द प्रोबेबिलिटी फॉर द सेम दैट विल बी 16 डिवाइडेड बाय 52। अ वेरी गुड क्वेश्चन दिस इज। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर व्हिच इज सेलेक्टेड एट रैंडम will contain 53 Sundays. Be very attentive while understanding this. 53 Sundays. Some students do it like 53 divided by leap year hai to 366. Will that be okay? Definitely not. This is a wrong answer. Kyunki hamare paas ek sequence hai. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Yani ye 7 days ka jo group hai, ye as such chalta hai. That's why total days in a leap year को आप divide करेंगे 77 से, so you will find that 2 will be the remainder. कहने का मतलब क्या हुआ, that these 360 days are divided like 52 weeks and 2 extra days. Alright, तो 52 weeks का मतलब है कि 52 Sundays तो fixed हैं हर leap year में। बात बचती है इन 2 दिनों की। ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं उसके लिए हम सैंपल स्पेस डिजाइन करते हैं। दिस कैन बी मंडे ट्यूजडे, ट्यूजडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे और संडे मंडे। इसके सिवा कोई भी और सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो 2 दिन बचे हैं इनमें से एक संडे है और दूसरा थर्सडे है, क्योंकि एक सीक्वेंस है। ऑलराइट,
यस सो मैम, लेट अस काउंट कि संडेज इन दो केसेस में आ रहा है. सो योर प्रोबेबिलिटी विल बी 2/7. दिस वाज रियली एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यस एंड मैम, देयर इज क्वेश्चन विच परफेक्ट आई मैम. वुड लाइक योर बिफोर व्यूअर्स बिगिन टू द टू नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, लेट मी रिमाइंड यू, नाउ टाइम इज ओवर फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन एंड दिस इज अ वंडरफुल सेशन. बहुत इंटरेस्टिंग था और आपने बहुत क्लियरली सरल शब्दों में हमारे बच्चों के लिए इस सत्र को समझाया. मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, हमारे साथ सविता ग्राहक मैम है, अकेडमिक कोऑर्डिनेटर है मैम, गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र से. मैम नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सत्र के लिए. जी. नमस्कार सीजन, देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच आई वुड लाइक आवर व्यूअर्स टू सॉल्व एंड शेयर विद अस. या थैंक यू. श्योर मैम. सो बच्चों, ये तो हमारा सत्र था कक्षा 10 के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का, जिसमें प्रोबेबिलिटी को हमने पढ़ा और सीखा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग था प्रोबेबिलिटी सीखना, क्योंकि किसी भी चीज़ के चांसेस को कैलकुलेट करना अपने आप में इंटरेस्टिंग है. और कक्षा 10 के बच्चों के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. हम थोड़ी ही देर में कुछ एक कुछ ही मिनटों में इनफैक्ट एक दूसरा अपना लाइव इंटरएक्टिव सेशन लेकर आएंगे. ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए ही सत्र होगा, इसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री और टॉपिक रहेगा द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगीकरण का युग. तो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे अगले सेशन के लिए भी है. तो आप यूं ही जुड़े रहें सीआईटी एनसीईआरटी के सभी लाइव सत्रों से. मैं सृजन राजपूत आप सभी से चाहूंगी अनुमति. नमस्कार.